शुरू करते हैं प्रीपोजिशन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियोज़ को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। ये प्रीपोजिशन आज ही के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आज के बाद से लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट है। और वीडियोज़ को पूरा देखें और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं मैंने उसको भी लिया है, ठीक है। तो आज से ये 4-5 दिन की टॉपिक मैंने ले लिया है, लगभग कई साल के प्रश्नों को भी मैंने लिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्ट वगैरह चलेंगे। लेकिन सबसे पहले 2 दिन आप इस पूरे नियम को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए शुरू करते हैं अपने धुआंधार सेशन की तरफ। और हाँ, एक विशेष सूचना, ठीक है, मुश्किल से 25, 26 या 30 व्यूज रहता, अगर यही व्यूज का हाल रहा तो हम इस टॉपिक पे काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि मुझे क्लास 10th वालों से कोई भी आशा नहीं दिख रही है। क्योंकि मुझे क्लास चलाते हुए 1 से 1.5 मंथ हो गया और वही संख्या रहती है, आप लोग इसको शेयर नहीं करते हैं। इसका शेयर नहीं रुकना चाहिए, सभी के पास एकदम बम्पर तरीके से शेयर करना चाहिए। इतने बुरी तरीके से शेयर करो कि इस वीडियोज़ को उठाना चाहिए, लेकिन आप लोग उठाते नहीं हैं, ठीक है ना। सबके पास शेयर करो, इतना शेयर करना चाहिए, हर एक बच्चे को शेयर करना चाहिए इस ग्रुप में, जितने ग्रुप हैं सब में। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट्स करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस धुआंधार सेशन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे, किसके बारे में चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और किसके बारे में, रूल्स के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट जितने भी ग्रुप्स वगैरह हो सभी में शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ते जाइए, फटाफट सभी लोग और लोगों के पास शेयर करिए, और लोग आए बुलाइए, सभी को बुलाइए प्लीज, जितने भी लोग हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइबर एकदम फ्री में है, आराम से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या बात है, और एकदम फ्री का जो है लाइक होता है, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और कमेंट्स तो आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ फटाफट सभी लोग को बुलाइए, शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट ध्यान समझेंगे। प्रीपोजिशंस ऐसे शब्द हैं जो किसी वाक्य के नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पोजिशनल रिलेशन स्थापित करते हैं। एक दूसरे का पोजिशनल क्या करते हैं, रिलेशन जोड़ते हैं। क्या करते हैं, पोजिशन, नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पोजिशनल रिलेशन स्थापित करते हैं। जैसे विजय इज सिटिंग ऑन द टेबल, जैसे दिया है विजय इज सिटिंग, तो यहाँ पर ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है। ही डज नॉट डिपेंड अपॉन हिज फादर, तो यहाँ पर अपॉन जो है ये प्रीपोजिशन है। ये ही डज नॉट डिपेंड का हिज फादर से क्या कर रहा है, रिलेशन कर रहा है। विजय इज सिटिंग, सिटिंग का रिलेशन किससे, विजय के बैठने का रिलेशन टेबल से कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर ऊपर के सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड क्या है, प्रीपोजिशन है। अंडरलाइन वर्ड क्या है, जैसे ऑन अपॉन, ये दोनों क्या है, प्रीपोजिशन है। तो क्या 100% क्लियर है, सभी लोग प्लीज एक बार कमेंट्स करेंगे, फटाफट कमेंट्स करेंगे प्लीज, जितने भी लोग हैं प्लीज़ फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेंगे फटाफट, चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। प्रीपोजिशन के प्रकार, ठीक है, आपको किस पे चर्चा करनी है, प्रीपोजिशन के प्रकार पर। अच्छा, सबसे पहले है पोजिशनल प्रीपोजिशन। पोजिशनल मतलब किसी चीज़ की स्थिति बताता है, पोजीशन बताता है, पोजीशन मीन्स स्थिति, वो स्थिति को बताता है। जैसे इन, एट, ऑन, इन मतलब में, एट मतलब पर, और ऑन मतलब भी होता पर। जैसे तोता पेड़ पर है या पिजड़े में है, ठीक है। तो यहाँ पर में का प्रयोग इन के लिए, वो पोजीशन बता रहा कहाँ पे है, किस स्थिति में है, किस जगह पे है, पेड़ पर है, घर में है, ठीक है ना। तो ये किसी भी चीज़ की स्थिति बताता है, कौन कौन, इन, एट, ऑन, इसीलिए इसको पोजिशनल प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोजिशनल, क्यों, क्योंकि ये किसी चीज़ की पोजिशन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, पोजिशन को। तो प्लीज सभी लोग को याद हो जाएगा, चलिए वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा, सेकंड वाला क्या दिया है, सेकंड वाला दिया गया है मूवमेंट प्रीपोजिशन। मूवमेंट, इन, इंटू, आउट ऑफ, इन, इंटू, आउट ऑफ, मतलब वह, जैसे बोल दिया गया वह कुएं में है, तो वो अंदर चला गया ना, तो इनटू का प्रयोग हो जाएगा। तो अभी सब कुछ आउट ऑफ, मतलब ये मूवमेंट, ये गतिशील अवस्था के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इन, इनटू, आउट ऑफ, ईटीसी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मूवमेंट प्रीपोजिशन के लिए। किसके लिए किया जाता है, मूवमेंट प्रीपोजिशन के लिए। प्लीज क्लियर है, सभी लोग कमेंट्स करेंगे, चलिए बहुत अच्छा सभी लोग। अच्छा, पोजिशनल एंड मूवमेंट, ठीक है, प्रीपोजिशन, जैसे पोजिशनल और मूवमेंट दोनों बताता है, ठीक है ना। जैसे विलो, विलो मतलब नीचे होता है, अब नीचे रुके अवस्था में हो सकता है और गतिशील भी हो सकता है। अंडर, अंडर मतलब नीचे, नीचे हो सकता है, दौड़ता हो, खेलता हो, कूदता हो या रुका हुआ हो। बियॉन्ड, अक्रॉस, तो ये पोजिशनल और क्या चीज़ है, ये
ये पोजिशनल भी और ये क्या है प्रीपो मोमेंट भी, ये क्या है। अच्छा अब टाइम, टाइम प्रीपोजिशन इन एट ऑन फॉर सिंस ये सब किसके लिए यूज होता है, टाइम के लिए। किसके लिए यूज होता है, टाइम के लिए, ठीक ना। सिंस फॉर तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना, किसके लिए यूज होता है, टाइम के लिए यूज होता है। अच्छा फ्रेजल प्रीपोजिशन, ठीक है, इन एडिशन टू ईटीसी, ठीक है ना, इन एडिशन और टू एडीसी के लिए फ्रेजल प्रीपोजिशन है। तो 1 2 3 4 5 प्रीपोजिशन है, पांचों क्लियर है प्लीज, सभी लोग के लिए पांचों क्लियर है, सभी लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ प्लीज़ वीडियोज को फटाफट लाइक कर दें और 7:30 बजे डेली आ जाया करें, और तैयारी आज से अभी से इसी वक्त से शुरू कर दें, क्योंकि अब पेपर का कोई भरोसा नहीं कब कैसे हो जाए पेपर, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग अभी से इसी वक्त से तैयार रहिए पेपर के प्रति, ठीक है। चलिए चलिए क्लियर है, चलिए आगे चलें, प्लीज कमेंट करिए सभी लोग, चलिए आगे चलते हैं। हाँ यहाँ क्या दिया है, प्रीपोजिशंस के प्रयोग की बात किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इन के बारे में। यहाँ क्या दिया गया है, इन दिया गया है, ठीक है। किसी वस्तु के नियत स्थान को, किसी वस्तु के कौन से स्थान को, किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरी वस्तु के अंदर दिखाने के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए एवं कुछ निश्चित शब्दों जैसे बिलीव फेल मास्टर अडेप्ट आदि के लिए, इनका प्रयोग किसके किसके लिए होता है। किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरी वस्तु के अंदर दिखाने के लिए, जैसे वह इसके अंदर है, वह कुएं में है, इनका प्रयोग। पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब किसी समय के लिए, इन वन मंथ, एक महीने में, दो महीने में, ठीक है। कुछ निश्चित शब्द, कुछ निश्चित शब्द जैसे बिलीव के लिए, फेल के लिए, मास्टर के लिए, अडेप्ट के लिए, इन सभी के लिए किसका प्रयोग होता है, इनका प्रयोग होता है। प्लीज ये चीज इतना पॉइंट्स याद रहेगा, सभी को याद रहेगा, ठीक है। चलिए चलिए सभी लोग को याद रहेगा इतना पॉइंट्स, चलिए क्लियर है ना, ठीक है। गतिशील ये दिखाने के लिए हो गया। अच्छा आगे चलते हैं ऑन का प्रयोग, किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरे वस्तु के ऊपर दिखाने के लिए, किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरे वस्तु के ऊपर, जैसे पेड़ पर, डाल पर, घर पर, मेज पर, ठीक है ना। तो ये किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरी वस्तु के ऊपर दिखाने के लिए, दिन व तारीख बताने के लिए, दिन व तारीख बताने के लिए निश्चित शब्दों का, जैसे रियली, कॉल, डिपेंड, इंसिस्ट, कॉन्ग्रेचुलेट, सेम आदि के लिए, ठीक है ना। तो इन सभी के लिए भी किसका प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो दिन और तारीख बताने के लिए निश्चित शब्द जैसे रिलाई है, कॉल है, ठीक है, डिपेंड है, इंसिस्ट है, कॉन्ग्रेचुलेट है, सेम है आदि के लिए, और किसी वस्तु का दूसरे वस्तु के ऊपर दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है, ऑन का, ठीक है। तो प्लीज आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे, जितने भी लोग हैं प्लीज सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर है इन और ऑन क्लियर है, प्लीज प्लीज सभी लोग कमेंट्स करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। एट और इनटू की बात करेंगे, मैं किसकी बात करूंगा, एट और इनटू। एट वस्तु की एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए, किसके लिए, सबसे पहले क्या चीज है, एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए। दूसरा क्या है, रेट बताने के लिए। तीसरा पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। चौथा जैसे निश्चित शब्द, लुक, लॉफ, एम, नॉक, अराइव, गुड, स्लो आदि के लिए किसका प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। याद रहेगा एट का प्रयोग पॉइंट नंबर 1 एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए, पॉइंट नंबर 2 रेट बताने के लिए, पॉइंट नंबर 3 पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, पॉइंट नंबर 4, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 अगर मैं बात करूं तो निश्चित शब्दों जैसे लुक, लाफ, एम, नॉक, अराइव, गुड, ठीक है, स्लो आदि के लिए। इनटू का प्रयोग, ठीक है ना। तो इनटू का प्रयोग पहला क्लियर है, एट का प्रयोग प्लीज सभी लोग, इनटू का प्रयोग अंदर की ओर बाहर से, अंदर की ओर बाहर से किसी वस्तु के आने पर किया जाता है। मतलब अंदर की ओर बाहर से किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु बाहर से अंदर आया तब उसका प्रयोग, जैसे कुएं में कोई चला गया, नदी में कोई चला गया, घर में चला गया, ठीक है, तो इनटू का प्रयोग होगा, ठीक ना, ठीक है ना। गतिशील अवस्था में अंदर की तरफ है, तो प्लीज एट और इनटू क्लियर है, एट और इनटू क्लियर है, सभी लोग कमेंट्स करेंगे प्लीज, जितने भी लोग हैं चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, चलिए सभी लोग, हाँ प्लीज और संख्या बढ़ाइए, और संख्या बढ़ाइए सभी लोग, ठीक है, एकदम हद कर दिए हो। चलिए हाँ, तो इनटू का प्रयोग पढ़ चुके हैं आप लोग, अब आप लोग को पढ़ना है फ्रॉम का प्रयोग, किसका प्रयोग, फ्रॉम का। जैसे फ्रॉम का प्रयोग किसके लिए होता है, चेंज ऑफ प्लेस दिखाने के लिए, किसके लिए, चेंज ऑफ प्लेस दिखाने के लिए, चेंज ऑफ प्लेस, फॉर्म में हुए परिवर्तन दिखाने के लिए, जैसे एक्सक्लूडेड,
ठीक है ना, कुछ शब्द ऐसे हैं एक्सक्लूडेड है, मेड है, स्कैप्ड है, पॉर्टेड है, डिफर है, आदि की शात, किसका प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम का, ठीक है ना, किसका प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम का। तो क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, सभी लोग कमेंट्स करेंगे, ठीक है, पाँचों यहाँ तक क्लियर है, पाँचवा तक हो गया आपका क्लियर, ठीक है, सभी लोग बताएंगे ये क्लियर है, ठीक है, फॉर्म तक। चलिए जी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ फटाफट लाइक कर दीजिए जरूर सभी लोग प्लीज। अच्छा फॉर, ठीक है, यहाँ पे फॉर बोल रहा है, क्या दिया है, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। अच्छा फिर क्या, ठीक है, रेसिप्रोकेशन दिखाने हेतु, इसके बाद रेसिप्रोकेशन के बाद निश्चित शब्द जैसे स्टार्ट, विश, लुक, होप, केयर, कॉल आदि के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, फॉर का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया जाता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है, प्लीज याद रहेगा यहाँ तक, प्लीज सभी लोग कन्फर्म करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 पर चलेंगे। ऑफ, ऑफ का प्रयोग अधिकार दिखाने, राय बताने, बीमारी से मृत होने का संदर्भ दिखाने तथा निश्चित शब्दों जैसे ड्रीम, डाई, बोस्ट, कॉन्सिस्ट, फोंड, ठीक है ना, फोंड ऑफ होता है ना, फोंड ऑफ, मेड ऑफ, ठीक है ना, मेड ऑफ आदि के साथ लगता है, मेड ऑफ का प्रयोग जैसे ड्रीम ऑफ, डाई ऑफ, बोस्ट ऑफ, ठीक है, कॉन्सिस्ट ऑफ, फोंड ऑफ, मेड ऑफ, इसके साथ जो है ऑफ का प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज कंफर्म करेंगे सभी लोग कंफर्म करेंगे, ठीक है, 6 और 7 क्लियर है प्लीज। चलिए 6 7 क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट कर लें प्लीज, जितने भी लोग हैं फटाफट स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब क्या है यहाँ पर, हाँ किसका इसका प्रयोग है यहाँ पे, टू का और किसका, ओवर का, ठीक है, कल और इससे दमदार क्लास रहेगी, बशर्ते आप लोग प्लीज 15 20 20 25 20 25 संख्या हुई है। हाँ फिर क्या दिया है, टू चेंज ऑफ प्लेस को बताने के लिए, किसके लिए, चेंज ऑफ प्लेस को बताने के लिए, कंपरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जैसे सुपीरियर, जूनियर, ठीक है ना, जैसे सुपीरियर, जूनियर आदि के साथ, निश्चित शब्दों जैसे एग्री कामा अटेंड, कंट्रीब्यूट कामा बिलोंग आदि के साथ, ठीक है ना, टू चेंज ऑफ प्लेस को बताने के लिए, जैसे कंपरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जैसे सुपीरियर, जूनियर आदि के साथ, निश्चित शब्दों जैसे एग्री, अटेंड, कॉन्ट्रीब्यूट कामा बिलोंग आदि के साथ, ठीक है ना, इसका प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, टू का प्रयोग चेंज ऑफ प्लेस को बताने के लिए, कंपरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव, ठीक है, सुपीरियर, जूनियर आदि के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एग्री, अटेंड, कंट्रीब्यूट, इसके साथ भी टू का प्रयोग होता है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, ओवर किसी ऊंची चीज की अवस्था बताने के लिए, किसी ऊंची चीज की अवस्था जो स्पर्श में ना हो, निश्चित शब्दों जैसे कमांड, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, डिस्प्यूट आदि के साथ, ठीक है ना, किसी ऊंची चीज की अवस्था बताने के लिए, ठीक है, जो स्पर्श में ना हो, ठीक है ना, तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए 9 8 और 9, चलिए फटाफट प्लीज। चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस, और लास्ट है यहाँ पर 10 नंबर है, अबाउट या ओपिनियन बताने हेतु, तो इन्फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए, ठीक है, ओपिनियन बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, निकट भविष्य में होने वाली काम की संभावना के लिए, निश्चित शब्द तो जैसे एनेक्सियस, क्यूरियस, कंप्लेन, इन्फॉर्मेशन आदि के साथ, इनके प्रयोग का आभास सतत रूप से करें ताकि आपको प्रीपोजिशन के चयन में कठिनाई ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक आज मैंने 10 कितने कितने के बारे में चर्चा कर लिया, मैंने 10 के बारे में चर्चा कर लिया, और 10ों को मैं जो पढ़ाया है आज इसको याद करिएगा, मैं 10ों का कल फिर विद एग्जाम्पल लेकर आऊँगा और कुछ और पॉइंट्स लेकर आऊँगा जो आपको दिक्कतें जो कि दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कल की क्लास इससे भी अच्छी होने वाली है, इसलिए प्लीज पूरी क्लास में बने रहें और तन्मयता के साथ लग करके आप तैयारी करें, ठीक है। बहुत छोटी सी क्लास में देता हूँ 15 मिनट, और 15 मिनट फुल तरीके से आप वॉच नहीं करते हैं, बहुत अच्छा नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज जितना भी वीडियोज हो उसको खोल करके फुल वॉच किया करें, ठीक है, जरूर फुल वॉच किया करें, ठीक है, आधा तिया वॉच करके आप इधर उधर ना किया करें, क्योंकि आधी तैयारी एकदम बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज चलिए, वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया, पसंद आया आपको, मेहनत कैसा लगा, ठीक है, अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ अगर अभी भी लाइक ना किए लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम्स रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन वगैरह हम जल्द ही आपको प्रेषित करेंगे इसी के माध्यम से। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है, और नए दिन से नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू और सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट, चलिए सभी को थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, खत्म, बाय बाय, टाटा,
गुड बाय, गया।